and welcome or welcome back to my channel. Guys, मेरा ये patent सा हो गया ना, ऐसे welcome करती हूँ हमेशा. Anyways, आज मैं ना सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ. आज इसी की वजह से मैंने प्लान किया था कि हम हाई पार्क जाएंगे, चेरी ब्लॉसम्स के बीच में हम वीडियो बनाएंगे, बट सारा का सारा प्लान भरा का धरा रह गया क्योंकि हम आ गए, बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा हवा थी. देन आई वाज लाइक लेट इट बी, घर जाके अगेन सेम सेटअप में हम रिकॉर्ड करेंगे जो अभी कर रहे हैं. एनीवेज गाइस, सो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं को-ऑप. सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता, मैं लास्ट ईयर सितंबर 2023 से एक को-ऑप प्रोग्राम में एनरोल्ड हूं एंड आई एम वर्किंग एज अ को-ऑप इन अ वेरी रेप्यूटेड एंड अ जायंट बैंक इन कनाडा व्हिच इज आरबीसी. दिस इज माय 8th मंथ इन माय को-ऑप एंड आई हैव स्टिल 4 मोर मंथ्स टू गो इन माय 1 ईयर लॉन्ग को-ऑप. अब अगर मैं आपको क्विकली बताऊं व्हाट एग्जैक्टली इज को-ऑप, ये को-ऑप क्या हो रहा है. सो को-ऑप बेसिकली इज कोऑपरेटिव एजुकेशन व्हिच इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड इंटीग्रेटिंग यू नो योर क्लासरूम बेस्ड लर्निंग विद अ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस. ये एक वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग है बेसिकली जो ऑल्टरनेट करती है बिटवीन योर स्टडी टर्म and your work experience. So if you are an undergrad or a grad student, you can still enroll into co-op and basically ye aapko help karta hai, enhance karta hai aapki learning ko, since jitna aap jo bhi seekhenge in your study term, you can apply those and learn even more in a practical work environment which is a particular company. Ab aapko ek question uth sakta hai, sir bhi humne mostly internship suna hai, to is there any difference between co-op and internship or is it the same thing? Actually mein bahut hi slight sa difference hai, but difference hai. Jaise ki maine bataya ki jo co-op प्रोग्राम होता है वो आपके कोर्स या प्रोग्राम का एक्रेडिटेड टर्म होता है. सो बेसिकली आपको उसके लिए भी ग्रेड या फिर आई वुड से पास या फेल मार्क किया जाता है, एटलीस्ट जितना मैंने मैकमास्टर में देखा है, दैट इज द थिंग. एंड को-ऑप बेसिकली वैरीज करता है बिटवीन 4 मंथ्स टू 12 मंथ्स विद इन योर कोर्स. इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स कि आपके कोर्स या प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्या है, दैट यू कैन चेक विद इन योर कोर्स. बट अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो जैसे कि को-ऑप ऑल्टरनेट कर सकते हो आप मल्टीपल टाइम, इंटर्नशिप इज वन स्टॉप काइंड ऑफ थिंग. सो बेसिकली आप एक बार इंटर्नशिप में एनरोल करेंगे, यू एंड अप डूइंग एन इंटर्नशिप फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड, आई थिंक 12 मंथ्स टू 16 मंथ्स, इट कैन वैरी. एंड इंटर्नशिप कैन बी पेड और अनपेड, बट को-ऑप मोस्टली विल ऑलवेज बी पेड. ओके, अब जब हमने प्रॉपर अच्छे से समझ लिया है कि एग्जैक्टली को-ऑप क्या है, लेट्स नाउ डीप डाइव इनटू दिस कन्वर्सेशन. व्हाट आर द बेस्ट वेज एंड बेस्ट टिप्स दैट यू कैन फॉलो टू ग्रैब अ गुड को-ऑप as easily as you can and as fast as you can. मैंने अपने नोट्स उठा लिए हैं एंड आज इन्हीं नोट्स को रेफर करके अब हम फटाफट बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स जो आप प्लीज 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 डू मेक श्योर आप फॉलो करें. आई एम प्रीटी डैम श्योर दिस इज गोना बी रोली रोली हेल्पफुल फॉर यू अगर आप आके प्लान कर रहे हैं टू ग्रैब अ को-ऑप. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे ही आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मेक श्योर कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में आते ही चेक करें, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, कि क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो केटर करता है टू career advices or co-op advices. For example, in McMaster, we do have a co-op and career services department, which is very active, always helps students with their co-op and career related queries, and they do provide a lot of advice as well. Secondly, before aap apna program ya fir apna course start kar rahe hain, make sure aap ye eligibility bhi check kar lein ki kya aapke program mein co-op available hai ya nahi hai. So basically, be it your any institution, aap jaake check kar sakte hain apni program ki requirements mein, wahan pe aapko dikh jayega. Basically, jaise for my कोर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, अब मेरी कोर्स के लिए यू कैन सी दैट आई एम एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर अ को-ऑप इफ आई वांट टू. एंड अगर आपके प्रोग्राम में को-ऑप एलिजिबिलिटी है, देन चेक विद योर डिपार्टमेंट व्हेन यू विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर अ को-ऑप. आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार आते ही क्या है, 4 महीने का टर्म अगर होगा तो 4 महीने के टर्म के बाद हम को-ऑप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. ऐसा हर जगह नहीं होता, एटलीस्ट एट मैकमास्टर फॉर मास्टर स्टूडेंट हमें आने के बाद 8 मंथ्स और 2 टर्म हमें पढ़ना होता है, ओनली देन वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर को-ऑप. सो बेसिकली आप अप्लाई करना ऑब्वियसली पहले शुरू कर देते हैं, बट आप 8 मंथ्स के बाद ही को-ऑप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं. सो आई स्टार्टेड माई प्रोग्राम ऑफ एमएनज इन कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर एट मैकमास्टर यूनिवर्सिटी इन जनवरी 2023 एंड आई वॉज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर को-ऑप इन सितंबर 2023 एंड दैट्स वेन आई ऑप्टेड फॉर इट एंड दैट्स वेन आई स्टार्टेड माई को-ऑप. सो आप ये मेक श्योर करना, आते ही चेक करना कि आप कब एलिजिबल हो, सो दैट यू कैन प्लान अहेड कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है. थर्ड पॉइंट एंड दी most important point is to make a really really good resume. I know hum resume ke bare mein jaise hi sochte hain, hum sochte hain sab kuch add kar dein and that's it, resume is done. But no guys, acha resume hona is very important specifically to grab a good co-op
नॉट इवन जस्ट फॉर अगर आप फुल टाइम के लिए भी अप्लाई करें, आपका रिज्यूमे शुड बी रियली रियली गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव टू यू फॉर योर रिज्यूमे इज मेक श्योर कि आप एक पेज के अंदर अंदर अपना रिज्यूमे रैप अप करें. अनलेस अंटिल आपके पास 5-6-7 ईयर एक्सपीरियंस और अबव एक्सपीरियंस है, देन दो पेज क्या होना समझ में आता है. बट अगर आपका नो एक्सपीरियंस और मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, देन आपका सब कुछ, सारे एक्सपीरियंस, सारी चीजें, सारा एजुकेशन शुड रैप अप विद इन दैट वन पेज. नॉट ओनली that for co-op you also need to provide cover letter. jitna hi aapka resume matter karta hai utna hi aapka cover letter bhi matter karta hai. ab ye resume and cover letter in itself can be a one whole long video. agar aap chahte ki main uske bare mein video banau ki how can you make a really good resume or cover letter, let me know in the comment section below and I can plan a really good video for that as well. but since ab ye hum co-op ki baat kar rahe hain, so basically jaise hi aap apna resume and cover letter banaye, at least aap apna resume review karwa le from your university. like I got a review from our co-op and career service department. so हमारी McMaster University में at least engineering के लिए बहुत ही active department है. they are always ready. all you have to do is book an appointment with them. they'll go through your resume. they'll tell you कि क्या-क्या changes आप कर सकते हैं, आप उसको और better कैसे बना सकते हैं. तो अगर आपके पास ऐसी services available हैं, do make sure you fully utilize them. so make sure आप अपना अच्छा खासा time अपने resume and cover letters पे जरूर दें. next point पे पढ़ने से पहले guys, I know ये video शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, so please bear along and do make sure कि आप end तक देखें, because I'm pretty damn sure आपको हर एक point बहुत useful होने वाला है. and इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक video को like नहीं किया है, please like कर दो यार, and do hit the subscribe button. it would just take you one single second to do that. और ज़्यादा serious होने से पहले let's go back to the video. अब अगर हम बात करें next point की, so basically guys, McMaster University में there is a dedicated portal जिसका नाम है Oscar Plus. I'll add it here right now. यहाँ पर जाकर जितनी भी कंपनीज है who have sort of a tie-up with McMaster University, वो आके अपनी जॉब पोस्टिंग डालते हैं इन Oscar Plus. so students can directly go and apply through Oscar Plus. so basically एक edge मिल जाती है क्योंकि आप एक dedicated portal से apply कर रहे हैं, you know कि आपके जो resumes हैं वो बहुत जल्दी shortlist होंगे. so make sure आप ये भी चेक कर लें कि आपकी university या institution में कोई ऐसा अगर portal है which caters to co-op, then make sure आप वहां से भी जरूर apply करें. fifth point is thorough market research. so basically आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन सी कंपनीज ज्यादातर co-ops पिक करती हैं, कौन कौन सी कंपनीज co-ops को फुल टाइम ऑफर देती हैं. जैसे एज अ मास्टर स्टूडेंट आई वॉन्ट टू डू एन इंटर्नशिप इन अ रियली गुड कंपनी, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि मुझे उसी कंपनी से फुल टाइम ऑफर भी मिल जाए, राइट. आई थिंक हर कोई इसी गोल से जाता है कि अगर मैं इंटर्नशिप वहां पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वहां से फुल टाइम ऑफर भी वहीं से मिल जाए. सो मेक श्योर आप प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं कि किन किन कंपनी से co-ops को फुल टाइम ऑफर मिलता है, कौन कौन सी कंपनी को आपको अच्छा पे भी कर रही है. दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो. एंड यहीं पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आती है जो कि है आपकी नेटवर्किंग. सो बेसिकली आप अपने प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है कि यार कहां कहां कौन कौन सी कंपनीज आती है, कहां कहां पे उनके स्टूडेंट्स गए हुए हैं. ऑल्सो रीच आउट टू योर सीनियर्स जो मे बी ऑलरेडी कोऑप कर रहे होंगे एंड आस्क देम टू प्रोवाइड यू रेफरल्स. रेफरल्स इज रियली इंपॉर्टेंट. आप आई थिंक हर किसी बंदे को यहाँ पे यही बोलते हुए सुनोगे यार नेटवर्किंग करो, रेफरल लो, नेटवर्किंग करो, रेफरल लो. सुनने में बहुत नॉर्मल दो वर्ड लगते हैं, बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, आप बहुत लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, आस्क देम फॉर रेफरल, क्योंकि वो वाली एप्लीकेशंस बहुत जल्दी पिक होती हैं एंड आपके पास इंटरव्यू के कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ पॉइंट. सो जैसे कि मैंने बोला कि आप पोर्टल्स चेक कीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, कि अगर कोई पोर्टल है आप वहां से मेक श्योर करें कि आप वहां से जरूर 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 अप्लाई करें. बट हैविंग सेड दैट, आपको सिर्फ वहीं पे कन्फाइंड नहीं होके रहना. यहाँ पे बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स डाली जाती हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, बीड, इंडीडिएट, लिंक्डइन. मेक श्योर आप हर जगह चेक कर रहे हैं, आप हर जगह जहां जहां से भी पॉसिबल है हर जगह अप्लाई कीजिए. कई बार कंपनी सिर्फ अपनी वेबसाइट पे पोस्टिंग्स डालती हैं, अगर आपको वहां से पोस्टिंग्स दिख रही है जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग, डोंट स्टॉप. कई बार यहाँ पे न्यू कमर्स आके ऐसे सोचते हैं यार हमने 20-30 कंपनीज में अप्लाई कर दिया एंड दैट्स इट, हमें यहाँ से कॉल आ जाएगी एंड दैट शुड बी इनफ. बट नहीं, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी कंपनीज यू कैन अप्लाई टू एज मेनी कंपनीज एज यू कैन. दिस इज नॉट जस्ट फॉर ग्रैबिंग अ कोऑप बट इवन फॉर योर फुल टाइम जॉब. लिटरली पीपल अप्लाई टू 200-300 कंपनीज एट अ
go and then they hear back from about 20-30 companies. And ये मैं खुद के personal experience से भी बता रही हूँ, क्योंकि Canada आते ही मेरे husband पीयूष ने full time job के लिए बहुत सारे interviews दिए थे, बहुत सारी companies में apply किया था, and उसके लिए हमने एक proper video भी बनाई है, which I'll link it here. I'm pretty damn sure वो भी बहुत useful होगी आपको to understand how the job market works here in Canada. This is irrespective whether you are a cop or you are a full time job seeker. इसी के साथ साथ दोस्तों last point and again one of the most important point जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन. अब अगेन इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो जो चीजें मैंने करी हैं विच प्रूव टू बी रियली हेल्पफुल, आई कैन अगेन मेक अ होल डिफरेंट वीडियो. बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज ये. अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके अराउंड भी उसको भी टच करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आपसे मिलता है, आई मेक श्योर कि मैं उसके अराउंड भी वीडियो जल्दी बनाऊंगी. बट अगर अब हम इस वीडियो में बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, सो गाइज एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना एज अ कोऑप स्पेसिफिकली. ऑब्वियसली आप अपनी इंटरव्यू की तैयारियां करेंगे, आप अपने कोर्सेज से रिलेटेड या फिर जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप उसके अराउंड पढ़ रहे होंगे. एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि एज अ कोऑप और एज एन इंटर्न आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो लुकआउट कर रहा है, ये नहीं कि आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज. दे डोंट वॉन्ट अ नो इट ऑल गाय. अदरवाइज तो आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट? फुल टाइम में आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है. फॉर अ कोऑप द एक्सपेक्टेशन इज योर aptitude or your attitude towards learning. अगर आपके अंदर वो zeal है, वो eagerness है to learn, that's what they are looking for. उनको वो दिखना चाहिए कि this person is ready to learn. They literally want to invest a lot into those students जिनको वो सिखा सकें and which can pay them back in terms of ROI. क्योंकि जितना time and effort वो आपको सिखाने में लगाएंगे, अलग अलग projects में लगाएंगे, वो ultimately अगर आपने prove kara to be really helpful, that will end up in providing you a full time offer and that will also save them time because unhone jitna time aapko sikhane mein lagaya in your internship, jab aap full time pe aoge utna hi kam time lagega aapko to start onboarding on a new project altogether because aapko already bahut sari cheeze pata hongi. Having said that, iska matlab ye nahi hai ki aapko bilkul hi kuch taiyari karke nahi jani hai, koi prep karke nahi jana hai when you are giving your interview for a co-op. That is really necessary because aap jis field mein ja rahe hain aapko uske bare mein pata zarur hona chahiye. So hey guys, this is from Fujit. मैं जब एडिट कर रही थी मैंने नोटिस किया कि हो सकता है इससे किसी किसी को कुछ काला इंट्यूशन ना लग जाए. सो व्हेन आई से कि दे आर नॉट लुकिंग आउट फॉर पीपल हु नो इट ऑल, आई मीन आपको हर चीज पता हो इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियसली दे वोंट वांट कि वो आपको हैंड होल्ड करे थ्रू आउट द टाइम ऑफ योर इंटर्नशिप. दे वांट कि अगर वो आपको सिखा रहे हैं या किसी चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं, यू आर क्विकली ग्रास्पिंग इट. अल्टीमेटली उनके लिए भी एफर्ट थोड़ी कम तो होनी ही चाहिए, राइट? सो हर चीज पता होनी इज नॉट जरूरी, पर आपको चीजें जरूर पता होनी चाहिए. सो यार गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मैंने फटाफट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया है ताकि मैं वो सारी चीजें आपके सामने एक प्लेट पे लाके दे दूं कि ओके दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ एंड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कोऑप. अगर आपको रिज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वीडियो चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी कैन मेक श्योर कि हम उसके बारे में भी बात करें. एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो please like the video, please subscribe to this channel, it would mean a lot to me, share it across with your friends and family. Until next time guys, bye bye.